भागलपुर नगर निगम की लापरवाही के कारण वार्ड नंबर 49, 50 और 51 के मुख्य सड़क वारसलीगंज रोड में पिछले 2 साल से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान होकर आज नाले के गंदे पानी में बैठ गए। तीनों वार्ड के वार्ड पार्षद सहित भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार और मोहल्ले के सैकड़ों लोग गंदे पानी में बैठकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर महोदया के बार बार आश्वासन पे निगम प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन निगम प्रशासन कोई सुध नहीं ले रही है। यहाँ सबसे बड़ा इसमें जो दिख रहा है, दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी इनकी मनमानी से सारे पार्षद आहत हैं। हमारी दक्षिणी खंड जो कि सबसे बड़ा वार्ड, हमारा वार्ड 50 पड़ता है, 3205 होल्डिंग संख्या है, लेबर की संख्या मात्र 14। आपने स्वास्थ्य शाखा प्रभारी ने जब NIT के द्वारा स्वास्थ्य पूरे स्वास्थ्य विभाग का जब NIT निकला और इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया, जब आपने प्राइवेट कंपनी को दिया, प्राइवेट कंपनी 1 रुपया में ले कि 100 रुपया में ले, उसकी काम है, उसकी जवाबदेही है सफाई करना। आज देख लीजिए हमारी जनता किस हाल में है, एक एक घर में डेंगू है। पार्षद का एकमात्र पहचान है सफाई, हम लोग सफाई करने में विफल हैं। जल जमाव के कारण डेंगू का पेशेंट जो है ना, हमारे 49, 50, 51 में लमसम 300-400 डेंगू का पेशेंट है, जिसमें क्या एक मर भी गया है जो है ना। अजीत जसवाल जी नगर आयुक्त को बोलते बोलते हम लोग थक गए। आज 2 साल ये हो गया कि 2 साल से ठौना भर पानी में हम लोग को चलना पड़ रहा है। जनता स्कूल जो बच्चा जाता है उससे बच्चा जो है ना गिर जाता है जो है ना। और मेयर डिप्टी मेयर को हम लोग ने जो है ना कितना बार बोले, मेयर साहब को यहाँ पर जो है ना भ्रमण भी करवाया, यहाँ पर आके देखा भी, आज तक जो है ना कुछ नहीं हुआ। आज क्या क्या लगता है कि मेयर की आज जो है ना हम लोग को ये हुआ कि जनता जो बच्चा गिर गया नाली में, जो कि बजरंगी का बेटा है, वो जो बच्चा नाली में गिर गया उसको होश नहीं है अभी तक। ये वार्ड नंबर 49, 50, 51 का जो हथिया नाला है, पूरे शहर का नाला का पानी इसी हथिया नाला में होके गोरदई नदी को जाती है। 2017 से लेकर अभी तक वोट और अस्थाई समिति में आवाज़ उठाते उठाते हम लोग थक गए। समान बोर्ड एवं स्थायी समिति में ये नाला उड़ाई पास भी है, मगर आदित्य जायसवाल जो स्वास्थ्य शाखा प्रभारी है, उनकी गंदी राजनीति के कारण अभी तक इस हथिया नाला का उड़ाई नहीं की गई है। 5 महीने से महापौर महोदया ने आदित्य जायसवाल स्वास्थ्य शाखा प्रभारी को इस हथिया नाला उड़ाई को लेकर डेली के डेली बोला जा रहा है, मगर उन्होंने गलत रिपोर्टिंग नगर निगम को, नगर आयुक्त को भी गलत रिपोर्टिंग, महापौर मोदिया को भी गलत रिपोर्टिंग करके दिग्भ्रमित करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार डेंगू से लोग ग्रसित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है। जल जमाव की समस्या को लेकर नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सभी से शिकायत की गई, लेकिन आज तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया, जिसके बाद ये लोग गंदे पानी में धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक कोई ठोस निदान नहीं निकल जाता तब तक ये लोग धरने से नहीं उठेंगे। 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, पूरा डेंगू है, पूरे समाज में 2 बच्चा गिर गया, वो मरते मरते बच गया यहीं पे बगल में, ये हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं। ये नर्क कैसे ठीक होगा, कोई भी पार्षद के बस के चीज नहीं है। तीनों मेरा वार्ड पड़ता है 49, 51, 50, मेरा तीनों पार्षद यहाँ मेरा मौजूद है और सब जो है धरनों पे बैठे हुए हैं, लाली के धरने पे। ये होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पूरे समाज के लिए कोण है ये। ये 2 साल से परेशानी है, ये 2 साल से परेशानी है, पूरे बच्चे पूरे यहाँ स्कूल का गाड़ी नहीं आता है, डेंगू पूरे घर घर है, यहाँ तो 4-5 को मर भी गया डेंगू के कारण। ये पूरा हम लोग गिंजन में पड़े हुए हैं, लाली काल घर में पानी घुस जाता है, पूरे घर में पूरा एकदम बीमारी, सबका घर है, घर पूरा कोई बच्चा नहीं स्कूल जा सक रहा है, सब घर में पड़ा हुआ, ये देखिए बच्चा सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन नगर निगम जो मेरे मेयर साहिबा है वसुंधरा राय, वो खुद एक डॉक्टर साहिबा है, उसे खुद एक समझना चाहिए भागलपुर का स्थिति क्या है, गंदा नाला पानी जमाव ये सब, लेकिन यहाँ का स्थिति वो देख नहीं रही है। लेकिन उसको डॉक्टर हो करके जहाँ रोगी को ठीक करना चाहिए वो रोगी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वो डॉक्टर साहब को वो समझना चाहिए कि हमारे वार्ड का स्थिति क्या है। उसे परेशानी यही है, गंदा नाला पानी जल जमाव
डेंगू डॉक्टर हो करके वो सुई भेक रहा है डेंगू का, हालांकि सुई ठीक करने का उसको उपाय करना चाहिए। हम उसको नमन करते हैं कि वो आकर के हमारे वार्ड में देखे क्या किया। आज मेरे पर तीनों पार्षद 49, 50, 51 के बैठे धरना प्रदर्शन पे इसलिए कि मेयर को जिताएं कि स्वर ये रोड बनेगा, नाली बनेगा, दूर बना के आदमी को चले गया। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है, कोई बच्चा अगर स्कूल ले जा रहा है, टोटो उलट रहा है, बच्चा नहीं जा सक रहा है स्कूल, घर से निकल नहीं सक रहा आदमी, पूजा करने जा रहा था नाली के पानी में पूजा करने जाएगा, बच्चा गिर रहा है, डेली स्कूल का गाड़ी नहीं आता, इधर उलट जाता, काफी परेशानी है। पूरा जनता से पूछ लीजिए आप, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जिला नगर आयुक्त नगर हो कोई देखने वाला नहीं है। नाली में गिरी के लिए पानी इतना हो जाए से ना, पानी इतना हो जाए से नाली और रोड रोड पता नहीं चल रहा, नाली में गिरी के लिए है सब। मैं दर्द हो गया किसी के लिए, हर घर में बच्चा गिरी जाए से निकल सके से, इतने परेशानी बीमारी तो हर घर में सो गई, यहाँ से वहाँ तक हर घर में बीमारी। आज हम लोग पूरे बेबस होके आज नाली के पानी में बैठना पड़ा और ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कि यहाँ के निगम प्रशासन इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं करती। मेयर को कहने के बाद भी कोई हल नहीं निकला, मेयर साहब को कहने में कोई हल नहीं निकला, क्या कीजिएगा आगे? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो होगा अभी हम लोग बैठे रहेंगे। अब स्थिति यह है, जरा सा भी पानी पड़ता है तो वारसलीगंज का जो मेन रोड है, नाला और रोड दोनों बराबर पानी चलता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं सब पानी के कारण नाले में गिर जाते हैं, नाला ओपन है। हम लोग इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले स्वास्थ्य सखा प्रभारी आदित्य जायसवाल से मिले थे, आदित्य जायसवाल जी का कहना हुआ कि जाइए इस हथिया नाला का उड़ाई नहीं होगा, जो करना होगा कीजिए। हमने इसकी शिकायत नगर आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, उप महापौर महोदय से किया, उन्होंने संज्ञान लिया, उनके सामने आदित्य जायसवाल ने बोला 30 लेबर एक महीने तक जाके वहाँ साफ करेगा, मगर 2 दिन मात्र गैंग आया 10 लेबर, उसके बाद फिर गैंग बंद कर दिया गया। फिर हम लोग किसको गए, हम लोग कहते कहते अथक हो गए। आज जनता की परेशानी को देखते हुए हम लोग जनता के हित के लिए आज जो है सामूहिक 49, 50, 51 के पार्षद और जनता लोग ये वारसलीगंज रोड पे, मेन रोड पे पानी में धरना पे बैठ गए। जब तक निगम प्रशासक के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं ली जाती है तब तक हम लोग तीनों वार्ड के जनता को लेके इस पानी में धरना देते रहेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामले को लेकर एक युवती SSP से गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंची। युवती के पिता ने बताया कि परबत्ता थाना, ततारपुर थाना और महिला थाना में आवेदन नहीं लिया गया, जिसके बाद SSP से गुहार लगाने आए हैं। मामला भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र का है, जहां के जमुनिया गाँव की रहने वाली एक युवती ने भागलपुर के ही ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बार चक्के रहने वाले एक युवक आमिर उस्मानी पर उसके साथ
साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। भागलपुर एसएसपी को लिखित आवेदन देकर कहा कि 3 माह पूर्व भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बार चक के रहने वाले आमिर उस्मानी के साथ शादी का बातचीत तय हुआ था और 9 सितंबर को निकाह का तारीख तय होने पर शगुन के तौर पर हमारे पिता ने 51,000 रूपए आमिर उस्मानी को दिया था। शादी तय होने के बाद आमिर उस्मानी के द्वारा मोबाइल से बातचीत शुरू किया गया, जिसके बाद शादी की शॉपिंग के लिए आमिर उस्मानी ने कलकत्ता बुलाया, जहां बहला फुसला कर बार बार मेरा यौन शोषण किया। जब शादी की तारीख नजदीक आई तो हमारे पिता को बुलाकर आमिर उस्मानी एवं इनके परिजनों ने 7 लाख रूपए की दहेज की मांग की और दहेज देने के बाद ही शादी होने की बात कही, साथ ही नहीं देने पर शादी तोड़ देने की बात कही। आमिर उस्मानी ने धमकी दिया कि थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमिर उस्मानी बार बार धमकी दे रहा है। पीड़िता ने कहा कि थाना प्रवक्ता ततारपुर थाना भागलपुर महिला थाने में आवेदन देने गई थी पर नहीं लिया गया, जिसके बाद थक हार कर भागलपुर एसएसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ यही घटना घटा है। ये भागलपुर जब्बार चौक जो है वहाँ पे रिश्ता मेरा बच्ची का लगा था। किसके यहाँ? आमिर उस्मानी के। किसी का शादी लगा था? जी। उन्हें जब रिश्ता लगा तो उसके सलामी के दौर पे उसको 51,000 रुपया दिए। किसको? आमिर उस्मानी को। जी। इसके बाद हम घर चले आए, उसके बाद हमको फिर बुलाया तो फिर कलकत्ता शॉपिंग करने के लिए चला गया। किसको? हम गए, मेरी बच्ची गया था। जी। मेरे बच्चे के साथ वो गलती किया। इसके बाद वहाँ से फिर आए भागलपुर में आके फिर सामान उमान का वो व्यवस्था करने लगा, हम लोगों को घर भेज दिया। फिर घर से फोन करके हमको बुला के वो इनकार भाग गया कि हम शादी नहीं करेंगे, 7 लाख रुपया दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भागलपुर में भी आपके बेटी के साथ गलत हुआ है? भागलपुर में भी गलत हुआ है, मेरे बेटी के साथ 20 दिन रखा है। जी। तो इसके लेके थाना में आवेदन दी? तो थाना में आवेदन दिए, प्रवक्ता नहीं लिया, महिला थाना यहाँ भागलपुर नहीं लिया। इसके बाद हर जगह घूम घाम के हम थक गए। नचारी में कहाँ दिया? एसपी के यहाँ? एसपी के यहाँ नचारी में वहाँ कागज दिए, आवेदन दिए हैं। लिया एसपी साहब? जी। क्या लगता है, उम्मीद है कि एसपी साहब न्याय देंगे? हमको लगता है कि एसपी साहब न्याय देगा। तो क्या उसके परिजन के द्वारा क्या धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी भी दिया है। कौन कौन? कौन धमकी दिया है? आमिर उस्मानी और जिया। क्या कह रहा है? ये दोनों ने मिलके थाना मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसी में हम लोग गरीब आदमी, हम लोग केला बेचने वाले हैं सर, हम क्या करेंगे? आप जो भी गाली गलौज भी किया है? गाली गलौज भी किया, मादर चोत फलना चोत चिलना चोत बहुत कह दिया। हमको बूढ़ा आदमी है, हमको बहुत कष्ट आ रहा है, आज तक हमको गाली नहीं कोई चीज दिया है सर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के 5 होस्टलों में 800 छात्र बीमारी के खतरे के बीच दिन रात रहने को मजबूर है। बारिश लगातार हो रही है और लगभग पूरे शहर में गंदगी व जल जमाव है। शहर के अलावे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 5 होस्टलों में भी नल का पानी भर गया है, जिससे छात्रों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह जल जमाव लगातार बारिश के कारण हुआ है और यह स्थिति पिछले 5 दिनों से ज्यादा हो गई है। सड़न और गंदगी अलग से परेशान कर रही है। कुल मिलाकर स्थिति नारकीय और डेंगू के लिहाज से डरावनी हो गई है। इसको लेकर छात्रों ने पदाधिकारी को आवेदन देकर सूचित भी किया था, जिसको लेकर आज भागलपुर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, एसडीएम धनंजय कुमार, कल्याण पदाधिकारी के अलावे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों की परेशानी को जाकर देखा और भैरवा तालाब की भी स्थिति का निरीक्षण किया। वहीं इस भयावह जल जमाव के दृश्य को देखकर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर ने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी बारिश हो रही है, बारिश में काम करने में परेशानियां आएगी, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है इसका उचित समाधान कर लिया जाएगा। समस्या हम लोगों को बहुत काफी लंबे समय से बार बार आ रही है कि भैरवा तालाब के पीछे जो यूनिवर्सिटी का इलाका है वहां पर छात्रावास बने हुए हैं, छात्रावासों में पानी का जल जमाव हो जाता है क्योंकि उसका नेचुरल फ्लो इस साइड की तरफ था और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसटीपी बन रहा है, भैरवा तालाब की भी योजना है, उस वजह से वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है। कहीं कहीं पाया गया कि अतिक्रमण भी है और हथिया नाले को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया फ्लो को,
तो वो सारी बिंदुओं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नाले को क्लियर करवा रहे हैं, जो उसका नेचुरल फ्लो था उस फ्लो को ठीक करवा रहे हैं जिससे इमीडिएट पानी निकले। दो चीज़ों पे हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि पुराने समय का जो नाला था और कलवट था उसका एक ही मात्र बिंदु था जो आगे जाके कलवट से क्रॉस करता है वो नाले, उसकी जगह हम लोग ये मंदिर के पास से यूनिवर्सिटी का और जो आपका वो जो मारवाड़ी कॉलेज है स्कूल है उसके साइड से हम लोग ह्यूम पाइप डालते हुए ला रहे हैं। वो बहुत डीप है, उसका फ्लो रिवर्स था, हम लोगों को इधर लाने के लिए और डीप काटना पड़ा है। ह्यूम पाइप की योजना नगर निगम द्वारा ली गई है, उस ह्यूम पाइप को इस रोड तक लाने के बाद एसटीपी द्वारा जो एमपीएस बन रहा है उस एसटीपी द्वारा अपनी योजना से कनेक्ट करते हुए उसको सीधे सीधे अभी जो नेचुरल फ्लो है उसमें और फ्यूचर में एसटीपी में टैप कर दिया जाए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उस पर भी लगातार एक महीने से काम चल रहा है, बारिश होने की वजह से हम लोगों का कार्य कुछ बाधित हुआ, इस वजह से समस्या ज़्यादा हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश अगर नहीं होती तो वो 2 से 3 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। इमीडिएट जो राहत छात्रावास के जो भी छात्र हैं उन लोगों को जो देनी है उसको हम लोगों को पंप को ड्रेन करके पंप से उस भैरवा तालाब को खाली करवाना है, जिस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। सर अम्बेडकर छात्रावास में भी पानी की समस्या है, वहाँ पर CWO साहब हैं, यहाँ पर कल्याण पदाधिकारी हैं और सिटी मैनेजर साहब, नगर निगम की पूरी टीम, स्मार्ट सिटी की पूरी टीम संज्ञान में है कि छात्रावास में पानी गया है, पंप सेट से वहाँ पानी निकलवाया गया है, अभी कुछ कम भी हो गया है और ये रात भर लेट नाइट तक काम किया जाएगा और इसको सेकंड दोनों शिफ्टों में हम लोग लगातार काम कराते हुए इस पूरे के पूरे पानी को जल्द से जल्द ड्रेन आउट करवाएंगे।